नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। असम में गुवाहाटी में 8 संगठनों के 644 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण। जम्मू कश्मीर में केंद्र के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत आज 10 केंद्र मंत्री विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, सरकार चीन में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। झारखंड के मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में 7 ग्रामीणों की हत्या की जांच विशेष जांच दल एसआईटी से कराए जाने के आदेश दिए। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और 71वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, राष्ट्रीय राजधानी में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। असम में 8 विभिन्न गुटों के 644 उग्रवादियों ने आज गुवाहाटी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समर्पण कर दिया। इनमें उल्फा स्वतंत्र के 50, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 8 और आदिवासी ड्रैगन फाइटर के 178 उग्रवादी शामिल हैं। उग्रवादियों ने 177 हथियार और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी जमा कराये। इनका मुख्यधारा में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों के हथियार छोड़ने से राज्य में शांति प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंता ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के आतंकी इतिहास में ये बड़ी उपलब्धि है। इससे शांति प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में विभिन्न गुटों के और भी युवा हथियार छोड़कर शांति प्रक्रिया में शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत आज छठे दिन भी 10 केंद्रीय मंत्री विभिन्न जिलों के विकास प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। इन मंत्रियों का विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। इन परियोजनाओं में श्रीनगर में डलगेट से हजरतबल तक हेरिटेज लाइट्स, पूरे प्रदेश में पेयजल आपूर्ति, बालिका छात्रावास और सड़कों का उद्घाटन करने के साथ ही तहसील कार्यालयों का शिलान्यास शामिल है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से भी मुलाकात की। लोगों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं और मुद्दों की जानकारी दी। श्री प्रसाद ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर नीड्स टू हैव अपॉर्चुनिटी, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द यंगर पीपल जम्मू एंड कश्मीर। आजकल भारत में मैं ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस को बहुत प्रमोट करता हूं, क्योंकि हमारी सरकार की कोशिश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, और मैं आपको बहुत बधाई दूंगा जिस तरह से आपने बेटियों का मुझसे पुरस्कार दिलवाया है। दीज प्रॉमिसिंग गर्ल्स ऑफ बारामूला हु आर डूइंग सो वेल, आई वुड अप्रिशिएट इफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कम्स टू हैव ए स्टेक इन देयर फ्यूचर करियर। और खास करके जो वॉलीबॉल के प्लेयर है ना, वो जो फिजिकली डिसेबल्ड है, बास्केटबॉल, उसकी चिंता करिए। संचार मंत्री ने बारामूला में इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया और जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये मंत्री केंद्र सरकार के विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। 10 केंद्रीय मंत्री आज जम्मू में मीरान साहब, बिश्ना, भोमग, त्रकोट, मकोट और रामबन प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं, जबकि जी किशन रेड्डी, रविशंकर प्रसाद और श्रीपद नायक कश्मीर संभाग में मनीगाम गांधरबल, बारामूला और श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। जम्मू संभाग में आने वालों में पुरुषोत्तम रूपाला, रेणुका सिंह, अंगड़ी सुरेश, सोम प्रकाश, साध्वी निरंजन ज्योति, फगन सिंह और रामेश्वर तेली शामिल हैं। मंत्रियों के दौरों को अब तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आज भी मंत्रियों का व्यस्त कार्यक्रम है। नसीर राठिर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @yayarnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के बुरुगुली केरा गांव में 7 लोगों की हत्या मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी से कराने का आदेश दिया है।
रविवार को गांव में पंचायत के लिए हुई बैठक में पत्थलगढ़ी समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच हुई झड़प में 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाके के घने जंगलों से मृतकों के शव बरामद किए थे। उच्चतम न्यायालय राम सेतु के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर 3 महीने बाद विचार करेगा। इस याचिका में श्री स्वामी ने केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की है कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया जाए। राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये चूने के पत्थरों से बना है। रामायण के अनुसार इसका निर्माण वानर सेना ने किया था। सरकार ने कहा है कि चीन में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। देश के 7 हवाई अड्डों पर मंगलवार तक 43 उड़ानों से भारत आए 9,156 यात्रियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की गई। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि इनकी जांच दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, बंगलुरू और कोलकाता हवाई अड्डों पर की गई। अभी तक जांच में वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति का पता नहीं चला है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या भी 550 तक हो गई है। अमरीका, हांगकांग, मकाऊ और मैक्सिको में भी जानलेवा निमोनिया के मामले सामने आए हैं। 90 लाख की आबादी वाले चीन के वुहान शहर में इस वायरस को रोकने की कोशिश में सार्वजनिक परिवहन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर अभी वो वैश्विक आपातकाल घोषित नहीं करेगा। जिनेवा में इमरजेंसी कमेटी की हुई बैठक में विशेषज्ञों के बीच एक राय नहीं बन पाई कि इस वायरस के प्रकोप को एक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए या नहीं। इमरजेंसी कमेटी आज एक और बैठक करेगी और अनेक अन्य साक्ष्यों का भी अध्ययन करेगी, क्योंकि ये चीन और पूरे विश्व के लिए गंभीर फैसला होगा जिससे कि ये वायरस और न फैल सके। अंशुमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, बीजिंग। नेपाल में मरे 8 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज भारत लाए जा रहे हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और उनके पार्थिव शरीर नई दिल्ली के लिए रवाना किए जा रहे हैं। इन भारतीय पर्यटकों की सोमवार रात को नेपाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दामन में एक रिजॉर्ट में दम घुटने से मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लिए म्यांमार सरकार के खिलाफ आरोप के मामले को चलाने के बारे में फैसला सुनाएगा। न्यायालय म्यांमार में और हिंसा रोकने के लिए आपातकाल लागू करने के उपायों के बारे में भी फैसला लेगा। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यह व्यवस्था म्यांमार आयोग के उन निष्कर्षों के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों पर कुछ सैनिकों द्वारा युद्ध अपराध किए जाने की संभावना है, लेकिन उन्हें नरसंहार का दोषी नहीं ठहराया गया है। अफ्रीकी देश गाम्बिया ने यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था। इसमें म्यांमार सरकार पर आरोप लगाया गया है कि दुष्कर्म, लूटपाट और नरसंहार के बाद म्यांमार से 7,40,000 रोहिंग्या बांग्लादेश पलायन कर गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। आज ही के दिन 1897 में नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। पश्चिम बंगाल में मुख्य समारोह कोलकाता में राजभवन के नजदीक नेताजी की प्रतिमा के निकट आयोजित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में एक समारोह में सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज सवेरे से ही बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेताजी के निवास स्थान पहुंचने शुरू हो गए। राज्य सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में सुभाष उत्सव का आयोजन किया है। इस अवसर पर नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कोलकाता के मेयर फरहद हकीम आज शाम पूर्वी कोलकाता में सुभाष मेले का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की के साथ समाचार कक्ष में योगेंद्र पाल सिंह। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्य समारोह राजपथ पर होगा, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस वर्ष ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मेसियस बोसोनारो 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। आजादी के बाद के सभी शहीद सैनिकों के स्मृति में पारंपरिक सलामी समारोह पहली बार राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित किया जाएगा। आज सवेरे राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रिहर्सल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग राजपथ पर एकत्र हुए थे। गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 6 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियों ने हिस्सा लिया। झांकी में हिस्सा ले रहे कलाकारों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उन्हें राज्यों की कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए गर्व हो रहा है। मेरा नाम है शबीर अहमद, हम झेड के से आए, कश्मीर से आए। हम 20 दिन से यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे जी। हम कश्मीरी कल्चर दिखाने के लिए यहाँ पे आए। मेरा नाम सरबजीत सिंह है जी, और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और यहाँ पर झांकी है हमारी, और हम गुरु नानक देव जी महाराज, उनका 550 साल जो प्रकाश पूर्व है, उसके रिलेटेड हमारी झांकी होगी। माय नेम इज हैप्पी अपर्णा फ्रॉम तमिलनाडु। आवर टैब्लो कॉन्सेप्ट इज द गॉड ऑफ INR फेस्टिवल। आवर फोक डांस इज करगाटम एंड परयाटम। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 600 से अधिक स्कूली छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जो विभिन्न राज्यों की संस्कृति और लोक नृत्यों का प्रदर्शन करेंगे। लड़ाकू विमान सुखोई के साथ चिनूक, अपाचे और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर द्वारा किए जाने वाला फ्लाई पास्ट इस वर्ष समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। इस बार भारतीय वायुसेना की झांकी में राफेल लड़ाकू विमान की प्रतिकृति भी प्रस्तुत की जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी मेट्रो स्टेशनों सहित दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने व्यावसायिक इलाकों में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, दुकानों और रेस्तराओं को 24 घंटे खुला रखने की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल ने कल इसे मंजूरी दी। शुरू में यह फैसला दक्षिण मुंबई में नरीमन पॉइंट और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, जो गैर रिहायशी इलाके हैं। इस निर्णय के बारे में हमने लोगों के विचार जाने। मेरा नाम हीना है, मैं कल्याण में रहती हूँ। मैं मुंबई 24/7 या नाइट लाइफ को बढ़ावा देने वाले सरकार के निर्णय के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इससे मुंबई और मुंबई के आसपास के शहरों में अपराध ज्यादा बढ़ सकते हैं। मेरा नाम अभिजीत कोथड़े है। अभी नाइट लाइफ मुंबई में जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, मेरे ख्याल से वो निर्णय एक तरह से अच्छा है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतनी सारी आबादी है जो रात को भी देर तक काम करती है, उनके लिए एक ऑप्शन अच्छा है। लेकिन इसके साथ दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि वहाँ पे रात को वापस घर जाने के लिए लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग यातायात के साधन जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे को भारतीय नैतिक मूल्यों पर हमेशा गर्व रहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने जन कल्याण के मुद्दों को उठाने में कभी संकोच नहीं किया। राजस्थान में आज से जयपुर साहित्य उत्सव शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन करते हुए इसे जयपुर का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि साहित्य उत्सव के कारण लोग राजस्थान की संस्कृति को पहचानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐसा मंच है जहां लोग बिना किसी हिचकिचाहट के विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम में गुवाहाटी में 8 संगठनों की 644 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण। जम्मू कश्मीर में केंद्र के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत आज 10 केंद्रीय मंत्री विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा सरकार चीन में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। झारखंड के मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में 7 ग्रामीणों की हत्या की जांच विशेष जांच दल SIT से कराए जाने के आदेश दिए। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और 71वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, राष्ट्रीय राजधानी में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।